जय मसीह की बीजी। हाँ जी, जय मसीह की। क्या नाम है आपका? अमनदीप कौर। अमनदीप कौर नहीं, अमरीक कौर। अमरीक कौर, ठीक है। क्या ये 1.5 साल के विश्वासी हैं? हाँ जी। क्या मैं हर संडे में, बोलो क्या है, जब भी मैं प्रार्थना करता हूं तो बरकत के बारे में बताता हूं ना, अपने बीजों को उठाऊं, जो लोग भी 10% अपना बोते हैं, ऐसे बोलता हूं ना, खुदा के राज्य के लिए, उसकी रूहों के लिए बोलता हूं ना, कई कई बार मैं उसके बारे भी सिखा देता हूं, है ना, सिखाता हूं कि नहीं सिखाता? 10% के लिए तो मैं देता हूं, जैसे आज मैं आपको पूरा वर्ड समझा रहा हूं, कई बार तो मैं 5-7 मिनट के लिए 20 के समय आपको बताता हूं। जो 1.5 साल के विश्वासी हैं, जो सुन रहे हैं, मैंने इनसे पूछा, ये शायद बुधवार की मीटिंग थी कि पता नहीं सोमवार थी, पता याद है बुधवार की है? संडे की मीटिंग के बाद मिले थे ये, संडे के बाद मिले थे। तो मैंने ये कुछ अपनी प्रॉब्लम बताने लगे, तो मैंने कहा आप 20 बोते हो? कहते हाँ। मैं कितना? कहते हर हफ्ते 100 रुपया। तो मैंने कहा कमाते कितने हो? जो इनका बेटा जो काम करता है, तो मैं भी आजकल मजदूर बंदे की भी दिहाड़ी 400-500 है, तो अगर उसने हफ्ता काम किया, 6 दिन काम किए, तो 500 के हिसाब से 6×5 कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया 6×5? हाँ जी, 3000 हो गया ना। अब 3000 कमाया और 100 डाला, अगर 400 दिहाड़ी है तो 400 कमाया, 4 को हिसाब से 2800 हो गया ना, नहीं 2400। मेरी बात समझ आ रही है? पर डाल 100 नहीं, जबकि 2400 का कितना डालना चाहिए था? 440। पर हर हफ्ते 100 डाल रहे तो बरकत आएगी कहां से? ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी भाई। यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने फरीसियों और संदूकियों को देखा, जिनको जिनके बारे उसने चेलों को बताया कि अगर तुम्हारी धार्मिकता, कलीसियाओं को, लोगों को भी बताया कि अगर तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और संदूकियों से बढ़कर नहीं है तो तुम कदापि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा तुम सौंफ, जीरा, पुदीने का अपना दशमांश तो देते हो, पर व्यवस्था और न्याय की गंभीर बातों को छोड़ दिया। चाहिए था वो भी करते रहते और ये भी करते, क्योंकि हर चीज को करना है। मोबाइल के 10 अंक होते हैं, अगर एक गलत लिखा गया तो लगेगा नंबर, लगेगा किसी को जिसका भी अपने नंबर लिया है। ऐसे ही है, आपको हर आज्ञा, हर बात को मानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और पूरा करना पड़ेगा अगर बरकत चाहते हो। बोलो क्या है? अब 1.5 साल का बंदा, वो 12 साल की बहन, कई बार क्या होता है, कई लोग सुन, कई बार समझ भी, कई तो ऐसे होते हैं पता होता है पर वो करते नहीं, जानबूझ के नहीं करते। बोलो क्या है? पता होता है पर वो जानबूझ कर नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो कहते चलो ठीक है, पता ही है साढ़े अपने बड़े खर्चे, पता ही है परमेश्वर, तुम अपने आप को मना रहे हो कि परमेश्वर को मना रहे हो? पता ही है परमेश्वर साढ़े अपने बड़े ही नहीं, चलो कोई गल नहीं, परमेश्वर भिखारी तो है नहीं कि तुम श्रद्धा बनता दो। हाँ, वो नियम का परमेश्वर है, ये नहीं है कि तुम नहीं दोगे वो नाराज हो जाएगा। हाँ, पर जो उसने बरकत का नियम ठहराया वो नहीं मिलेगा। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? कितने चाहते हैं? लिखा वो तुम्हारे लिए कंगाल, धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना के तुम धनी हो जाओ। हाँ, बैठ जाओ, अब वचन पढ़ो, इसकी 8:1, 2 कुरिन्थियों 8:1। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, के कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और बड़ी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई,
उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ पर भर वर्ण सामर्थ से भी बाहर मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया, अपने आप को भी दे दिया। देख लो कुरिन्थियस की कलीसिया को पौलुस कहता है, क्या कहता है, जैसे मान लो एक बंदा इस नियम को करके ऊंचा जा रहा है, बरकत पा रहा है, ब्लेस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो मैं उसकी गवाही दे रहा हूं, ये इसकी ब्लेसिंग का कारण क्या है। उस बच्चे को खड़ा करो, ये जो बाहर से आया, मुझे इसका नाम का नहीं पता, जोबन, हाँ जोबन, जोबन नाम है, इसे खड़ा करो। हाँ माइक दो, जय मसीह की, पापा जी जय मसीह की। क्या नाम है आपका? जोबन। जैस पापा जी। हाँ कौन से कंट्री में आप जॉब करते थे? मलेशिया। कितने साल की? 6 साल। 6 सालों में आप रेगुलर मीटिंग को अटेंड करते रहे? जैस पापा। अपने 20 को? जैस। बोते रहे। आज इसका घर बनने जा रहा है, मैं नक्शा देखकर आया हूं, क्या लाजवाब है, और बरकत देगा क्यों नहीं, बोलो क्या है। कितने साल बाद अभी आप, अब कितने साल बाद आए हो? 1 साल बाद। 1 साल बाद आए हो, और जैसे 1 साल बाद आए सीधा संगति में, कोई रिश्तेदारों के पास नहीं, कोई इधर उधर घूमने के लिए नहीं, सीधा संगति में। और जैसे ये आया, आते ही इसने देखा, उस दिन हम खाना खा रहे तो वो गत्ते की प्लेटें होती हैं जो डिस्पोजिकल में, उसमें खाना खा रहे तो इसने देख, ये भी खा रहा था, तो खाते इसने कहा कि ये प्लेट कितनी चाहिए, हम सब खा रहे थे, किसी के मन में नहीं आया। इसने आते कहा कितनी चाहिए और कितने की है, मैंने कहा कि ये रहने दो, कोई बात नहीं, हमें साउंड की जरूरत, हमारे ना पीछे 2 स्पीकर हमें चाहिए, आवाज सुनाई नहीं देती, मगर तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ये कहते हैं बताओ क्या, कितनी कितनी चाहिए बताओ मुझे। तो मैंने कहा कितनी मतलब, तो मैंने कहा कि कम से कम 20 तो अगर हो जाए। कहते कोई बात नहीं, 20 खुदा के साउंड के लिए दे दिया और 5,000 प्लेटों के लिए दे दिया। हालेलुया। अब जब इसका घर बनकर तैयार होगा ना, क्योंकि जब खुदा के लिए हृदय होता है, वही आशीष जो 5 रोटी और 2 मच्छियों पर आई, वो आती है बरकत। तुम्हारा भाई कुछ नहीं रखने वाला, तुम्हारी कोठी कंप्लीट होकर रहेगी पूरी, कोई तुम्हें कमी नहीं आएगी, यीशु मसीह का अनुग्रह उस पे बना रहेगा। हालेलुया। अरे दुनिया बनाने वाला परमेश्वर है, क्यों नहीं आएगी बरकत? मैंने कहा क्यों नहीं आएगी बरकत? अगर ये बंदा सोचता यार मेरा तो खुद का पहले बच्चा देखेंगे, अगर बचेंगे तो फिर करेंगे, अगर ऐसी सोच रखेंगे तो फिर अधूरा रह जाएगा, पर तुम ऐसी सोच रखोगे तो खुदावंद रस्तों को खोलेगा, मार्गों को खोलेगा। बैठ जाओ। क्या कहता पौलुस? कहता ही अब ही भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर के सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार देता हूं जो मकदूनिया की कलीसिया पर हुआ। अब क्रंथियस की कलीसिया को, जैसे इस भाई की बात मैं आपको बता रहा हूं, उसकी बात मैं आप उसको बता रहा हूं, एक दूसरे के बारे हम सीख रहे हैं ना, अगर हम सब एक के जैसे हो जाएं तो फिर सभ्य नाम पाएंगे। कहता अब हे भाइयों, हम तुम्हें उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसिया पर हुआ कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, बड़े आनंद और बारी कंगालपन में उन्होंने उदारता, उनकी उदारता बहुत बढ़ गई,
बारी कंगालपन में भी उनकी उदारता, उदारता समझे मतलब उनका भूना, बड़ी कंगालपन में मतलब है नहीं, खुद खाने को रोटी नहीं है, अपनी रोटी पूरी नहीं हो रही, पर फिर भी लिखा उनकी उदारता बड़ी बढ़ गई। कहते मेरी बात समझ रहे हैं? जहां पे एक भाई बैठा है उसको अभी नहीं खड़ा करेंगे, मगर वो बैठा सुन रहा है, तो उसका खुद का गाड़ियों का काम है। मैंने उसे कहा था ये करना, तुम्हारा जल्द खुद का गैरेज होगा, तो खुद तेरे पास बंदी होंगी। अब मुझे नहीं पता कि वो अपनी ब्लेसिंग के इस वर्ड को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी तो वो किसी के पास नौकरी करता है। मैंने कहा तेरा खुद का गैरेज होगा, तेरे पास लोग लेबर करेंगे। पर एक बरकत के नियम को बताया, आप पता नहीं वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, बाद में उसे पूछेंगे। तो अपने भारी कंगालपन में भी लिखा उनकी उदारता बड़ी बढ़ गई। कितने बार मेरी बात समझ रहे? कुछ नहीं है, खुद नहीं अपना पूरा हो रहा है। अगर हम गिनती करें तो हमारा 10,000 से 15 से ऊपर जा रहा है हमारा खुद का घर, तो हम कहां से 1,000-1,500 निकालें? आगे क्या कहता, और उस दान के, उस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में बाकी होने के अनुग्रह के विषय में हम बार बार तुमसे विनती करते हैं कि जैसी हमने आशा की ही वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको अपने आप को दे दिया। बोलो क्या दे दिया है? अपने आप को दे दिया। चीजों को तो छोड़ो, लिखा उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने नहीं है, हमें अपने आप को ही दे दिया। कहते बताओ क्या करना है, किधर को जाना है, क्या करना है बताओ। अपने आप को दे दिया परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, चीजों के लिए नहीं। एक गरीब व्यक्ति सारी उम्र यही सोचता रहता है, मैं तो गरीब हूं, मेरे लिए कैसे होगा। पर जो गरीबी के बारे नहीं, परमेश्वर की बातों पर ध्यान करता है, बोलो क्या है, जो परमेश्वर की बातों पर ध्यान करता है वो होता है अमीर, वो पाता है बरकतें। आज हमारा लाइव बड़ा अच्छा चल रहा है, हमारे पास जो पहले इंटरनेट था वो इतना अच्छा नहीं था, पर मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था, उसके लिए खर्चा लगा, हमने आपसे इकट्ठे नहीं किए, कितना पैसा कितने का है हमने इकट्ठे नहीं किया आपसे कि इंटरनेट लगाना है नया जी, लो जी थोड़े थोड़े तुम भी दो। बस खुदा के लिए दिल रखता हूँ, उसे प्रेम करता हूँ जो मेरे लिए इतना, जिसने जिल्लत सही मेरे लिए इतना जलील हुआ, जिसने मुझे अपना जीवन देकर जो जीवन दिया है, मैं उसके लिए ये सब कुछ कहता हूँ। जैसे ये मकदूनिया की कलीसिया कहती है उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को ही दे दिया। ये जो मैं बातें आज बता रहा हूं ना, ये खुदा ने मुझे प्रार्थना करते समय दी है। क्या दिया बोलो? कि मेरे लोगों को बता, तुम चीजों पर मन लगाकर बैठे हो, उन्होंने तो अपने आप को दे दिया। किसकी इच्छा को पूरा करने के लिए? जहां पे कुछ ऐसे हैं अपना पूरा नहीं देते, नहीं देंगे तो जैसे वो बंदा है ना, आज लगता नहीं आया, वो जिसकी मनियारी की दुकान है, कॉस्मेटिक की शॉप है जिसकी, नहीं आया। उसके बारे सुना ना, उसको खुदा ने बड़ा बरकत, बड़ी बरकत दी, पर ज्यादा जब बरकत आई, ज्यादा बीज आया, तो उसका मन पैसों पर लग गया, फिर वहीं पे आ गया। फिर आकर कहता है पापा जी मेरा ना काम बड़ा, मुझे पता था ये आएगा, क्योंकि मैं देख रहा था उसको आत्मा में। कहता मेरा काम बड़ा डाउन चले गया। मैंने, क्योंकि डाउन जाने का मतलब क्या, मैंने कहा अपनी उस जो बरकत का नियम उसमें वफादार हो? कहता नहीं, बस नहीं है तो फिर वहीं पे जाओगे, तुम क्या चाहते हो और आगे जाना कि जहां से खुदा ने ऊपर उठाया वहीं पे जाना चाहते हो? बताओ मुझे, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जहां से खुदा ने आपको ऊपर उठाया, एक दिन तुम 10,000 कमा रहे हो, तुम 50 कमा रहे हो, तुम 1,00,000 कमा रहे हो, कि वहीं पे 10,000 पे जाना चाहते हो?